वेलकम टू इंडिज किचन। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आपको जैसे पता है न्यू ईयर का टाइम चल रहा है और अब सबके घर में न्यू ईयर पार्टी आने वाली है, तो इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्रेश गुआवा जूस, वो भी गुआवा के कप्स में। मतलब आपको अलग से कोई कप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं गुआवा कप्स में आप अपना फ्रेश गुआवा जूस सर्व कर सकते हैं। कोई भी पार्टी और ओकेजन के लिए ये बेस्ट जूस की रेसिपी है और एकदम ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाती है। आइए देखते हैं गुआवा कप्स और गुआवा जूस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें पेरू ले लेना है। मैंने जो पिंक कलर के पेरू आए हैं वो लिए हैं, आप वाइट पेरू भी यूज़ कर सकते हैं। पेरू का ऊपर का जो पार्ट है, उसका जो सर का पार्ट है, वो हम इसे काट देंगे और अंदर के पल्प को हम अच्छे से छुरी से या चम्मच से निकाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पेरू का एक कप बन जाएगा और इसका जो पल्प है वो हम जूस बनाने में यूज़ कर लेंगे। आप जितना हो सके अच्छे से उसका पल्प निकाल लें ताकि कम कप एकदम अच्छे से खूबसूरत लगे। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम नींबू का रस लेंगे, उसके अंदर हम लाल मिर्ची पाउडर और नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा लिक्विड मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लाल मिर्ची पाउडर और नमक अलग से ऐड कर देंगे, ये ड्राई मिक्स हो जाएगा। पहले हमारे पेरू के कप को लिक्विड जो मिक्सचर बनाया है उसमें कोट करेंगे, फिर हमने जो ड्राई मिक्सचर बनाया है उसमें कोट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा लाल मिर्ची और नमक है वो अच्छे से कोट हो जाएगा और हमारा कप भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जब आप इसमें जूस सर्व करेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब जो हमने पल्प निकाल के रखा था पेरू का, वो हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। उसके बाद एक पेरू मैंने अच्छे से उसको छील लिया था, वो पूरा पेरू काट के हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि पल्प हमारा बहुत कम निकला था, इतने से पल्प में हमारा जूस नहीं बनेगा। इसीलिए हम एक और पेरू उसको अच्छे से छील लेंगे और वो पूरा पेरू अच्छे से काट के ऐड कर देंगे। इसमें हम बर्फ़ के टुकड़े भी ऐड कर देंगे। आपको जितनी शक्कर पसंद है, आपका पेरू जितना मीठा है उस हिसाब से आप शक्कर ऐड कर देंगे और आधा चम्मच काला नमक ऐड कर देंगे। जो हमारी बर्फ़ है उससे हमारा जो जूस है बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा और बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर भी हो जाएगा। इसके बाद हम इसे ऐसे ही बिना पानी के अच्छे से पीस लेंगे। जब हमारा मिक्सचर थोड़ा स्मूथ हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और उसे अच्छा एक स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। अब हमारा जूस बहुत ही अच्छा स्मूथ हो चुका है, बट अब इसका लास्ट स्टेप इसे हमें छानना है। आप कोई भी छन्नी से, चाय की छन्नी से इसे छान सकते हैं। इसे थोड़ा टाइम लगेगा छानने में, बट आपको ये छानना है, नहीं तो हमारे जूस का टेक्सचर अलग हो जाएगा, मुंह में बहुत सारे सीड्स आएंगे और सीड्स वैसे भी इतने अच्छे नहीं होते, इसीलिए आप इसे अच्छे से छान लीजिए। देखिए हमारे कप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब जो हमने जूस बनाया है वो जूस हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। ये जो थोड़ा सा मिर्ची और नमक का जो इस पर कप्स पे जो वो होता है, उसका फ्लेवर जूस के साथ बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। ये आप ज़रूर ये रेसिपी बनाइए। वैसे भी अभी पेरू का सीज़न चल रहा है, बहुत ही अच्छे पेरू आ रहे हैं और ये फ्रेश जूस है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, बहुत ही ईजीली बन जाता है, कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बन जाता है और ये कोई भी पार्टी में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं आशा करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एनएच किचन। थैंक यू।